सो हे एवरीवन, दिस इज ओनम सिंह और यहाँ पे मैं जा रही हूँ बनाने चाय। सुबह से ये मेरा चौथी बार मैं चाय बनाने जा रही हूँ। और दोस्तों, मैंने कभी ऐसा इमेजिन नहीं किया था कि शादी के बाद मेरा जो हालत है ये होने वाला है। तो ये देखिए, इतने सारे कप, इतने सारे चाय में बना के सुबह से इतने सारे कप धो के रखी हूँ। और ये कैटल का आप हाल देख सकते हैं कैसा हो रखा है, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। तो बस अभी इसे क्लीन करता है और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2। और यहाँ पे ये मेरा चावल तैयार हो रहा है और कप यहाँ पे भी है। चावल इसलिए बन रहा है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और दोपहर में चावल अगर सुबह में बनता है। और यहाँ पे आरू जी भी चाय बनाने के मूड में हैं। और अगेन ये मेरा दोस्त, यहाँ पे देखिए इसे भी चाय पीनी है। और यहाँ पे मैं डालती हूँ कपड़े, बाकी यहाँ पे मैं दिन के टाइम पे जब धूप निकलता है तो मैं डालती हूँ कपड़े को छत पे। और अभी मैं डालती हूँ ये देखिए, ये मेरा कपड़ा सूख जाएगा। और ये देखिए चंदा मामा निकले हुए हैं, ये देखिए यहाँ पे चंदा मामा निकले हुए हैं। पीछे का जो बगान है वो देख सकते हैं। बाकी की रात ज़्यादा नहीं हुई है लेकिन फिर भी सन्नाटा पसर चुका है यहाँ पे। और अभी मैं जा रही हूँ किचन में। बिना लहसुन प्याज की ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। इसमें बस आलू को एकदम छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया जाता है और इसमें ढेर सारा धनिया पत्ता मैं डालूँगी। बाकी के बर्तन वगैरह धुले पड़े हैं और इसमें भी आटा लगाना है। और ये देखिए मेरा किचन, जब मैं खाना बनाने के टाइम पे ऐसे ही रखती हूँ। और मिलिए मेरी सिंड्रेला से, जो कि यहाँ पे सिंड्रेला इधर देखो, देखो इधर, ओए सिंड्रेला क्या हुआ, सिंड्रेला इधर देखो, इधर देखो, ये सिंड्रेला, हाय करो सिंड्रेला। खाली बदमाशी करने लग गई है सिंड्रेला। और यहाँ पे मेरी बिटिया रानी सो गई है, ये देखिए यहाँ पे बिटिया रानी दिन भर बदमाशी की है और फिर सो गई है। बेटा जी, ओ बेटा जी मेरा बच्चा, यहाँ पे लैपटॉप देखते। तो गाइज, ये मेरा जो चना का साग है वो बनके तैयार हो चुका है।
और इसमें मैं डाली हूँ सरसों का तेल, लहसुन और हरा मिर्च कूट करके डाले हैं इसमें। ये देखिए इसमें कूट करके डाले हैं, बहुत ही टेस्टी साई चना का साग है जो कि मैं पहली बार बनाई हूँ और बहुत ही अच्छा बना है। क्योंकि जब मैं मेरी शादी नहीं हुई थी या फिर जब मैं अपने घर पे थी तो ये साग जो है वो मम्मी ही बनाती थी,